हेलो गाइस, मैं एनके राव आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जीनियर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। डोंट मग अप, रैशनल और लॉजिकल स्टडी हियर। तो क्वेश्चन नंबर, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा रखा है। मैं जो भी नए व्यूअर हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप वहाँ पे जाकर देख लें सारे वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो। और इससे पहले सारे वीडियो आप देख लें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल सब समझ में आएगा। ये एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी में। ये क्वेश्चन नंबर 20 आज डिस्कस करना है यहाँ से आगे जी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 20 से डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है, एक पत्थर मीनार के शिखर से गिराया जाता है, वह अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में इतने मीटर चलता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यात्रा के अंतिम मिनट में चलता है, कितना चलता है जी, 24.5 मीटर चलता है। तो इसी को निकालना है जी, ठीक है। तो ये बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है जी, ठीक है जी। देखिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो है, ये जो लास्ट सेकंड है, कितना चला है लास्ट सेकंड में जी। तो ये यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है जी, 1 सेकंड लगा यहाँ से आने में, लेकिन दूरी कितनी है, तो 24.5 मीटर है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो मीनार की पूरी ऊंचाई बताना है जी, ठीक है। तो चलिए, एस बराबर होता है UT+ ½ AT² ठीक है जी। अगर वन मान लेते हैं, 1 सेकंड में अगर दूरी कितना चलता है जी, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में S1 दूरी लगा है, यहां से यहां आने में क्या लगा है जी, S2 दूरी लगा है, ठीक है। तो S1 के लिए टाइम T1 लगा है, U तो सेम होगा और T1 टाइम लगा। शिखर से गिराया जाता है, यानी U क्या है जी, यहाँ पे U 0 दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन को सब समझ पा रहे होंगे। S1 के लिए क्या हो जाएगा, S U1 T1। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, U तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ½ A T1² वैसे ही S2 के लिए भी लिखेंगे जी। तो S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 के लिए हो जाएगा ½ U, उसमें भी 0 है, तो ½ A T2² हमने यहां से यहां माना क्या जी, यहां से यहां तक क्या माना कि T2 टाइम लगा, ठीक है जी। तो अब देखिए, बोल रहा है यहां से और यहां के जो अंतर है कितना दूरी है जी, तो हम इसको माइनस कर देंगे, S2 - S1 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ½ A T2² - T1², ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं S2 - S1 क्या है जी, S2 - S1 का अंतर कितना है, तो 24.5 मीटर है, 24.5 मीटर। हाफ ए का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, तो ए का वैल्यू क्या रखना है, अभी हम ऐसे ही रखने देते, ए का वैल्यू जी रखेंगे। T1 - T2 देखिए, अब यहां से यहां का अंतर जो 1 सेकंड का अंतर है, तो T1 - T2 क्या हो जाएगा जी, T2 - T1 × T1+T2। तो T1 - T2 क्या है जी, 1 सेकंड है, आप देख पा रहे होंगे हम लोग को दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 49.2448 49 हो जाएगा जी। 49 G बराबर ये क्या है, T2 T1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और T1 + T2 की वैल्यू हमको पता नहीं है। चलिए, तो यहां से देखिए, G की वैल्यू अगर हम 9.8 रखते हैं, G की वैल्यू क्या रखते हैं जी, 9.8। तो G की वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.8 T1 + T2, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 9.5 मिनट में कट जाएगा। तो यानी T1 + T2 की वैल्यू क्या है जी, 5 सेकंड है। और बात की जाए तो T2 - T1 क्या है जी, तो 1 सेकंड था। तो यहां से हमारे पास T1 T2 निकल गया, हमको निकालना क्या है जी। तो अगर मान लीजिए S2 निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी क्या निकालना है, S2 निकालना है। अगर हमारे पास S2 निकालना है तो क्या करेंगे जी, T2 की वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। तो यहां से निकालते हैं जी, तो हमारे पास T2 बराबर हो जाएगा 6, तो T2 बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे, S2 निकालना है जी, S2 बराबर क्या हो जाएगा, ½ A यानी G हो जाएगा, T² T क्या है, 3 का स्क्वायर। तो हाफ G की वैल्यू 9.8, 3 × 9 क्या हो जाएगा जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए 8 9 72 9 81 7 88 / 2, तो ये हो जाएगा 44.1, दशमलव भी लगेगा तो 44.1 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया जी, 44.1 मीटर। तो देखिए, हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं, देखिए वही है, अगर आप कंसेप्ट समझ रहिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहिएगा तो दिक्कत आएगी। आप अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप फिर से रिमाइंड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है,
बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम करते हैं जी। अगले क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, बोला है दिए गए ग्राफ से 2 सेकंड में चली गई दूरी। देखिए अगर ग्राफ दिया रहा था तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया निकाल लेते हैं वो क्या मिलता है जी, दूरी मिलता है। तो यानी वेलोसिटी और समय वाले ग्राफ में हमको 2 सेकंड तक, क्या जी, 2 सेकंड तक एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको दूरी मिल जाएगा। तो चलिए जी, इस ग्राफ में देखिए, मान लीजिए 1 सेकंड ये है, 2 सेकंड यहां तक है जी, इसमें वेलोसिटी क्या है, दिया नहीं गया है क्या, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए जी यहां पे दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 4, ठीक है ना, ये 4 है, इसकी वैल्यू क्या है जी, 2 है, 1 है, 3 है। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, इलो थोड़ा सा वही ना बोलना है ना कि इन्होंने अच्छे से मटेरियल बनाया नहीं जी, बहुत सारी दिक्कत है इस बुक में आपको, तो इसलिए देखिए अब हमको ये लिखना पड़ रहा है, बताइए ये 4 हमको वैल्यू लिखना पड़ा है जबकि उसमें 4 ऑलरेडी देना होना चाहिए जी। तो चलिए ऐसे प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ते हैं जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का हम बनाएंगे। तो देखिए हमको एरिया निकालना है, देखिए तो अगर इस फिगर को देखा जाए तो क्या है जी, यही तो है फिगर, इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, यहाँ पे क्या है, ये 2 है, 2 टाइम है, ये हाइट कितनी है जी इसकी, 4 है, इसका एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा एरिया, हम डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, 4 मीटर, तो 4 मीटर आंसर आ गया जी। आप देख सकते हैं ये कंसेप्ट समझिएगा, बहुत जल्दी आंसर बनेगा, नहीं समझिएगा देखिए ये फॉर्मूला लगा रखा है, क्या क्या लगा रखा है, थ्योरी पता चल रहा है। अगले अगर मेरा आप लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आप अगर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दूरी कैसे निकालते हैं जी, तो स्पीड और टाइम अगर आपको क्या कर सकते हैं, उसके एरिया निकाल लेते हैं, क्या मिल रहा है जी। तो ये वही जो नॉलेजफुल जो पर्सन है, मैं बता देना चाहूंगा जो भी नॉलेजफुल पर्सन है ये जरूर नॉलेज रखेंगे, लेकिन आप यही जाके देखिए बहुत सारे चैनल पे ऐसे भी पढ़ाए जा रहे हैं जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है जी, जो लॉजिक ही नहीं बिल्डअप है उनके पास। चलिए अगली क्वेश्चन है, निम्न चित्र में एक कार की गति, देखिए अब ये भी क्या है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, बोल रहा है बिंदु बी पर, बिंदु बी पे क्या है ब्रेक लगा दिया जिससे क्या हो गया, जिसका वेलोसिटी कम हो गया है और उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया है। तो विराम, कार के विराम में आने तक की दूरी, देखिए अब यहां से यहां चला है, उसके बाद बीच पे ब्रेक लगाया, बी के बाद क्या हुआ जी, 5 सेकंड तक चला है, कितना हुआ जी, 5 सेकंड तक चला है, उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो वही बोल रहा है कि निम्न चित्र में कार की गति का वेग ग्राफ है, तो बिंदु बी पर कार पर ब्रेक लगाया, कार के विराम तक आने की दूरी बताना है, तो विराम जहां तक आया है वहां तक दूरी बताना है, तो यानी इस समय तक हम एरिया निकाल लेते हैं। अब इसका एरिया निकालना देखिए कितना सिंपल है जी, ये मेरा क्या है जी, ये 5 सेकंड है, ये टाइम नहीं दिया गया है, ये 10 है, ये 20 है, ये क्या है, चलिए जी ये देखिए एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें थोड़ा हमको ये लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा नॉलेज दिया गया है, तो हमको देखिए हमको तो पूरा ये वी हमको मिल गया 20, इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये टाइम चाहिए ना जी, ये टाइम इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या इसमें है, चलिए क्वेश्चन यू इन्हें रखा है, टी 5 सेकंड रख रखा है, तो चलिए ए बराबर हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी 5, तो माइनस 4, अच्छा जी एक्सप्रेशन मिल गया यू टी इंटू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हाफ ए चलिए देखिए अगर देखिए यहाँ पे जो है आपको स्लोप है, चलिए जी यहाँ पे क्या है आपको स्लोप है, तो देखिए ए क्या है जी हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो इसका हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वी माइनस यू बाई टी, तो वी क्या है इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी तो 20 है, अपॉन टी क्या है जी 5 सेकंड, यहां से यहां कितना लगा है 5 सेकंड लगा है, चलिए जी यहां से यहां 5 सेकंड लगा है, ठीक है, तो यहां पे हमको एक्सेलरेशन क्या मिला जी -4 मिला, ठीक है जी, तो -4 मिला हमको, यू दिया है, यू कितना दिया है तो 20 दिया है जी, तो ऐसा अगर निकालना होगा तो क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब टी की वैल्यू हमको क्या है जी तो 5 है, टी की वैल्यू क्या दिया गया जी हमको 5 दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है जी, ये भी आपको 5 ही सेकंड है
और ए भी आपको 5 ही सेकंड है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, अब यू क्या है जी 20, टाइम कितना लेंगे जी। तो देखिए ये आपको जो है ये वाला जो एरिया है आपको इस वाले एरिया से आ रहा है, तो देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100, क्या हो जाएगा जी 20 × 5 = 100। तो देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि तो इसमें देखिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछा गया है जब यहां से ये विराम जब ब्रेक लगाया गया है तो यहां से इस पॉइंट से बी पॉइंट से कितना दूरी चला है हमको वो बताना है, ठीक है जी। तो हमको पता हो गया यू पता है, यू कितना है जी तो 20 है, टी कितना है 5 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू क्या है जी तो ए क्या है -4 आया, अभी निकाल चुके हैं हम लोग निकाले जी -4 यहाँ पे, तो -4 अपॉन टी क्या है जी 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा 20 × 5 = 100 माइनस ये 2 - 50, तो क्या हो जाएगा 50 मीटर, यानी कितना चला जी 50 मीटर ये चला है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं रहेगा तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां से ये 5 नहीं है यहां से कितना दूरी चला जी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा जी, देखिए अगर इसका हमको एरिया निकालना है डायरेक्ट, अगर समझा दिया जाए हमको डायरेक्ट यहाँ के ब्रेक लगाने के बाद निकालना जी। तो देखिए अगर मैं बता रहा हूँ स्पीड और क्या है जी टाइम का कर्व है, तो क्या है स्पीड और टाइम के कर्व में एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है दूरी निकल जाता है। तो हाफ ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या होता है एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है जी 5 है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है जी तो 20 है, तो क्या हो जाएगा 10, तो यहां से क्या आ जाएगा 50 मीटर आएगा। देखिए यही कंसेप्ट सीखना है जी, मैं बोल रहा हूं बार बार, देखिए इसका एरिया निकालना है हमको यहां के ब्रिक लगाने के बाद कितना दूर तक चलेगा, देखिए इसका एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना को कितना आसान है, देखिए 50 मीटर आ गया। वहीं क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखा होना चाहिए, हमको कोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही समझिए लॉजिक जो इस क्वेश्चन को बनाने में, इस क्वेश्चन को जो ऐसे बनाएगा वो कितना रॉन्ग है, और ऐसे बनाने से कितना जल्दी हुआ सॉल्व, कितना जल्दी हुआ सॉल्व। आप इसी क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में इसने कैसे बनाया गया है, वही मेथड में बोल रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम था, तो यही बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है वो सही है, लेकिन उतना अगर हम कंसेप्ट देंगे तो हम एग्जाम से बाहर आ जाएंगे जी, और जो हमारे कंपटीटर है क्या हो जाएंगे जी वो आगे निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला एक पत्थर पृथ्वी तल से, एक पत्थर पृथ्वी तल से इतने मीटर कि बेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया जी, ऊर्ध्वाधर कितने फेंका गया जी ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है जी दिया गया है, और बोला है कि 10 सेकंड बाद पत्थर का बेग और ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जी अब देखिए हमको क्या दिया गया है जी, दिया गया है कि v की वेलोसिटी क्या गया है 245 मीटर/सेकंड से फेंका गया है जी, ठीक है ना। इसके नीचे, इसके नीचे की तरफ क्या होगा ग्रेविटी लग रहा होगा, तो वो जी क्या है जी एक्सेलरेशन लग रहा है। अब बोला है कि 10 सेकंड बाद क्या होगा, ठीक है जी। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें निकाल लेते हैं कि ये जो भी यहां से हमने इसको वेलोसिटी दिया कहीं ये जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जो उसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा चला आएगा। तो हम ये पता कर लेते हैं कि जो यहाँ वेलोसिटी इसका 0 हो रहा है उतना जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो चलिए वी बराबर यू प्लस ए टी, समझिएगा यहाँ पे आ रहे हैं जी इस पॉइंट पे निकाल रहे, तो वी 0 है, यू क्या है जी 245 माइनस जी, जी क्या हो जाएगा जी, जी माइनस में देखिए वेलोसिटी दे रहा है तो जी इधर लग रहा है तो क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो माइनस में लिखेंगे तो माइनस। अब इसके लिए हमको 9.8 लेना है, क्या लेना है अभी तो हम उसको बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है जी उस इंटू टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा टी बराबर मिलेगा 245/g। चलिए जी तो हम देख लेते हैं, तो जी की वैल्यू अगर हम रखते हैं 9.8 रखते हैं, जी की वैल्यू क्या रखते हैं जी 9.8, 24.5 9.8। चलिए जी तो इसको हम दशमलव से भागा दे, दशमलव दिए यानी भागा दिए तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है 24 × 49 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी हमको 29 × 27 24 × 4 तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 250/g की वैल्यू रहेगा 9.8 तो क्या आ जाएगा 25 सेकंड आ जाएगा। फ्रेंड नए हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फैलाने के लिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। आपको भी पता होगा बहुत सारे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। मैंने देखिए एक दो दिन मैंने लाइव की कोशिश किया था लाइव आने के लिए, उसमें लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसको आपको छोड़ दिया जी। तो अब देखिए अब कुछ दिखते हैं जो मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो ठीक है जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस हेलो गाइज, मैं आप सबसे बता देना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है ग्रो कर रहा है। देखिए आपको भी पता है कि जो मॉर्निंग में आता है आपको करंट अफेयर का आता है, आप करंट अफेयर देखिए बिल्कुल, आप जो भी रेलवे का एग्जाम दिए हैं, ग्रुप डी का दिए हैं, एएलपी का दिए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी उसमें कंटेंट है, क्या क्वालिटी है। आपको रेलवे के लिए तो एकदम मस्ट है जी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जरूर ही जरूर देखिए। करंट अफेयर की जो है प्लेलिस्ट मैं बना रखा है अलग, उसको देखिए। आपको मैं मॉर्निंग जो है डोज के रूप में आपको मैं उस वीडियो को दे रहा हूँ। आप स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए मैंने टेस्ट एक बना रखे हैं, उसको देखिए जी। मैं इलेक्ट्रिसिटी का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको भी देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट अलग बना रखा है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट अलग बना रखे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट अलग बना रहे हैं। तो देखिए आप उस सबको जाइए देखिए और देखिए क्या क्या फर्क है ये समझिए। अलग चैनल पे कंसेप्ट आपको यही मैं बोला हूँ कि मेरे जीनियर स्टडी चैनल का यही कंसेप्ट है जी, रैशनल और लॉजिकल स्टडी डोंट मगअप। तो प्लीज डोंट मगअप, रैशनल स्टडी कीजिए। वहां पे भी देखिए आपको करंट अफेयर में मैं दिखा रहा हूँ, आप करंट अफेयर में देखिए जी, बहुत सारे ऐसे सिस्टमेटिक वे है पढ़ने के तरीके हैं जो आपको रटने से क्या रखता है, दूर रख सकता है। तो आप मगअप मत कीजिए, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जी। देखिए अगला है एक क्रिकेटर की, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 27 पे चलते हैं, 27 हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, यदि जी 10 मीटर पर सेकंड गेंद पर प्राप्त होता है तो ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए जी अब कितना से फेंका है जी, तो बोला गेंद को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है जी, ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर भी फेंकता है और जी की गेंद प्राप्त होती है और एक्सेलरेशन क्या है जी, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो गेंद प्राप्त ऊंचाई बोलना है जी। तो देखिए अगर देखा जाए तो अब बोल रहा है कि देखिए उसकी वेलोसिटी क्या है जी, और सॉरी इस वेलोसिटी जो है आपको कितनी ऊंचाई तक जाएगी। देखिए 10 है तो कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जी। तो 10 है तो चलिए निकालते हैं वी कहाँ पे जीरो हो जाएगा, उसी हाइट तक तो जाएगा, तो वी बराबर यू प्लस ए टी। देखिए इसमें हमको क्या निकालना है जी, हाइट निकालना है। तो देखिए तो इस वाले फॉर्मूला को लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है जी। चलिए वी क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2 ए, ए का वैल्यू क्या है जी -10 है, क्या है क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है जी, क्या लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हमको डेटा से पता चल रहा है कि 10 रखना है जी, देखिए इस बात को समझिए, यहाँ से हमको डेटा से पता चल रहा है कि 10 रखना है जी, और एस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 × 100 बराबर 210 एस 20 × 2500, तो एस बराबर क्या हो जाएगा जी, एस बराबर 5 आ जाएगा, तो 5 मीटर तक ये हाइट तक जाएगा। देखिए इस बात को समझिए कि हमको 10 यहाँ पे कैसे आया, वही मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया 5 मीटर हाइट, क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे जी, ठीक है ना। तो देखिए आप ऑप्शन आ गया, इसी बात को समझिए कि हमने कैसे कौन सा वैल्यू कब पुट किया, इस बात को समझिए। वैसे ही हर चीज का लॉजिक है, उस लॉजिक से पढ़ाया जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, वीडियो पे फोकस कीजिए, कंसेप्ट मैं सबसे बता रहा हूँ, मेरे वीडियो के देखिए फोकस कीजिए कंटेंट पे, आप मेरे वीडियो की क्वालिटी पे मत डिस्कस कीजिए। मैं आपको भी बता रहा हूँ मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ जी, वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, थोड़ा सा भी मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। आप क्वालिटी और कंटेंट पे ज्यादा मतलब कंटेंट पे ज्यादा फोकस करें, क्वालिटी पे ना फोकस करें कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, बोला है एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची है, कितनी पहुंचती है तो 5 मीटर अधिक है। तो बोल रहा है गेंद के प्रारंभिक वेग क्या है, देखिए अब उसी क्वेश्चन का क्या किया जी, उलट के क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए अब क्वेश्चन को जब उलट के पूछ दिया जिसमें कौन सी बड़ी बात है जी, उस क्वेश्चन को हमको समझने की जरूरत है। तो देखिए बोल रहा है ऊपर की ओर फेंका है, कितना ऊंचाई गया है जी, तो एच बराबर गया है 5 मीटर तक गया है अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का। तो बोला इसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू क्या है जी, यहाँ पे बताइए यू क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा जीरो होगा। तो देखिए भी जीरो पता चल गया, यू हमको निकालना है, एच हमको 5 है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो भी क्या है जी जीरो है, यू क्या है हमको निकालना ही है प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है जी, तो एक्सेलरेशन है तो -10 है, तो उसको हमने क्या लिखा माइनस यहाँ पर रख दिया, एस निकल लेते हैं जी, एस क्या है
पांच दिया है हमको, यहाँ पे दिया ना हाइट 5 इंच, तो देखिए यहाँ वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 20 25 100, तो वी बराबर क्या, यू बराबर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए सॉरी नहीं दिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट भी ध्यान रखिए, यूनिट एंड डायमेंशन मैंने पढ़ा रखा है, यूनिट डायमेंशन इसीलिए पढ़ाया जाता है जी कि आप वहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे और उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस सब छोटी छोटी बातें इसको ध्यान रखिए जी, छोटी छोटी बातों से ही क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनने के लिए, इस बात को ध्यान रखिए, एक एक ईंट से ही क्या होती है, पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। तो आप अपना लॉजिक को बिल्डअप कीजिए, ट्राई टू बी ए लॉजिकल एंड रैशनल माइंड, रैशनल और लॉजिकल स्टडी कीजिएगा, आपको सफलता ज्यादा चांसेस है मिलने के लिए। अगर आप मगअप कीजिएगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि करेंट अफेयर जो पार्ट है उसमें कुछ मगअप करने पड़ते हैं, उसमें मगअप करने पड़ते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिए। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बाद में देता हूँ, करेंट अफेयर को मैं वीडियो रोक के उसके बाद में जो बोलता हूँ उस पार्ट पर ज्यादा फोकस करें। वो पार्ट क्या है जी, ग्रुप डी और एएलपी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप उस सब चैनल को देखिए, मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक साइंस इंजीनियरिंग करेंट अफेयर मैथ, तो सबके अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाए, आप उन सबको जाइए और वीडियो को देखिए, जिस चीज को आपको रिक्वायरमेंट हो, जो आपको लग रहा है कि इसमें कमी है, आप उसी पार्ट को पढ़िए जी, स्टडी कीजिए। चलिए, एक कार पर ब्रेक अधिकतम मंदन कितना है जी, क्या है जी, एक्स मंदन है मतलब -10 है जी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है जी एक्सेलरेशन, इसलिए -10 लिख दिया। यदि इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड कार से उसी न्यूनतम दूरी पर रोकी जा सकती है, बोल रहा है जी, यदि इसका वेग क्या है जी, यू दिया है 30 मीटर पर सेकंड दिया है, तो कार उसे कितनी न्यूनतम दूरी पर रुकी जा सकती है, यानी अगर मान लीजिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है, हमने एक फोर्स लगा दिया इसका अपोजिट में, तो ये धीरे धीरे रुकती रुकती यहाँ कहीं जाएगी, वी बराबर 0 हो जाएगी, तो ये कितना दूरी चली, ये दूरी आप बता दीजिए, वही दूरी पूछ रहा है जी। चलिए फॉर्मूला लगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये वी हमको 0 करना है, यू क्या है जी, हमको दिया है 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू क्या है जी, -10 है, एस क्या है, एस निकालना ही हमको, चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 9 900, ये क्या हो जाएगा 20s, तो s 0 गया है, s बराबर क्या हो जाएगा 45 मीटर हो गया। तो हमारा देखिए अब 45 मीटर आया कि सेंटीमीटर आया किलोमीटर आया, ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, तो ये SI यूनिट में नहीं करें, इसलिए क्या हो जाएगा 45 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्या है जी लॉजिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे और ऑप्शन बताएंगे जी कौन सा ऑप्शन सही है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड रिकमेंड द फ्रेंड्स टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।